बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आज आपका पहला शेरी मजमुआ यहाँ पर मंजर आम पर आना चाहता है। इससे कम लगे इस शेरी मजमुए की रुनुमाई हो, हम चाहते हैं कि जश्न सालेह के तहत सालेह हजरत की जिंदगी के कुछ अहम हिस्से आप सामईन तक पहुंच सके। कि सालेह हजरत महफिलों में किस तरह से अपना रंग जमाने में कामयाब रहे और तदरीस में किस तरह से अपने तलबा का दिल जीतने में कामयाब रहे। आज सिर्फ दो शख्सियात उनकी मजलिसों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और उनके तरीके तदरीस के हवाले से। तो आइए पहले हम उनकी मजलिसों के हवाले से गुफ्तगू आपके सामने पेश करें। आपके हमसर रहे हैं मोहतरम जनाब हफीजुर रहमान साहब, मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के सुबोध प्रिंसिपल। अलालत के बाइस आज इस तकरीर में शरीक नहीं है, लेकिन उनका तहरीर करदा मजमून हमारे पास मौजूद है। मैं रुकन इजरा कमेटी जनाब अतीक शाबान साहब से मुल्तमिस हूँ कि यहाँ तशरीफ लाए और जनाब अजीजुर रहमान साहब का तहरीर करदा मजमून आपके सामने पेश करें। मजमून का उनवान है हम दोनों। मैं अंसारी हफीजुर रहमान और सालेह हजरत मालेगांव स्कूल नयापुरा में SSC तक साथ पढ़ते रहे। दरमियानी तहसील का वक्फा सालेह हजरत के मकान पर जो मियारा मस्जिद वाली गली में मौजूद है पर ही गुजारता था। हजरत के वालिदैन मुझे सगे बेटे की तरह मानते थे। स्कूली तालीम के अलावा भी हम दोनों एक दूसरे के मकान पर आया जाया करते थे। एसएससी के बाद में आला तालीम के हुसूल के लिए मैं बंबई चला गया। पढ़ाई मुकम्मल करके मालेगांव आया तो मालूम हुआ कि हजरत प्राइमरी स्कूल में मुदर्रिस बन गए। 1967 में मैं भी मालेगांव स्कूल में मुहाज़िर बन गया। हमारी दोस्ती एक जान दो तालीम की मिसाल आज तक कायम है। सालेह हजरत एक अच्छे दीनदार पुरखलुस इंसान थे, पुरखलुस इंसान है। अच्छे नाच को, गजल को, ड्रामा स्क्रिप्ट राइटर के अलावा बेपनाह खुसूसियात के हामिल है। जब बंसी वाले को तमूरे वाला मिल गया, साइड हिटिंग है, जब बंसी वाले को तमूरे वाला मिल गया। 1971 से 1982 तक मालेगांव स्कूल में उस वक्त की प्रिंसिपल मोहतरमा आयशा हकीम साहबा और मालिक फैरोज हुसैन बादशाह सर हमें मालेगांव स्कूल में ड्रामा वगैरह स्टेज करने के लिए मजबूर करने लगे थे। मैं तो वहाँ था ही। सोशल और कल्चरल की अहम मीटिंग में हजरत को भी मजबूर किया जाता था। मौसीकी के दिलनवाज और सामे नवाज दोनों को सराहना करना हम दोनों में मुश्तरक वस्फ था। हम अक्सर शाम में पैदल ही काफी दूर तक तफरीक करने के लिए निकल जाते थे। उन दिनों फिल्म जानू मेरा नाम रिलीज हुई और उसके तमाम गाने हम दोनों को बहुत पसंद आए और हमारी पसंद पर खड़े उतरे। एक दिन हम मोतीबाग के खेत में बैठे हुए थे। हजरत ने जानी मेरा नाम के बाल गीत सुनने की ख्वाहिश की थी। सुना दिया, मैंने सुना दिया और हजरत से कहा कि मैंने हजरत को कहा कि आप इन तमाम गीतों की पैरवी लिखिएगा। इस मंजूर नामे के डायलॉग और डायरेक्शन में मैं संभाल लूंगा। मैंने गांव गले की मदद से जॉनी मेरा नाम के तमाम गीत लिख कर हजरत को दिए। हम उसी जगह जो हफ्तों बाद मिले, आप बोले पैरोडियां तैयार है। मैंने सुनी और देर तक सर धुलता रहा। उसी जगह ड्रामे का नाम फितनी मेरा नाम, मैंने अब फितनी मेरा नाम तय हुआ। बोले मैंने बहुत मेहनत करके डाले लिखे। ड्रामा मालेगांव स्कूल के जम्बो स्टेज पर खेला गया, सुपर हिट रहा और हम दोनों को
हर तरफ से मुबारकबादी भी वसूल होने लगी। उसके बाद मजाहिया अदाकार महमूद की फिल्म कुंवारा बाग रिलीज हुई, उसमें एक गीत था एक बच्चा देखा हाजी। इस गीत पर तबीर करोड़ी हजरत ने लिखी और उसे हमने नामा पंचायत में शामिल किया। मालेगांव स्कूल की जूनियर इमारत में जामे की छुट्टी के दौरान अक्सर और बेशतर फैज हुसैन बादशाह आ जाते थे, मुफीद मशोरे से नवाजते थे। इंफरादी कारकर्दगी की का जिक्र करूं तो चार्ली चैपलिन के अंदाज में मैंने गालिब इन अमेरिका एटम में खूबसूरत डांस किया था। डांस की स्टेपिंग मरहुमा आयशा हकीम साहबा ने मुझे बताई थी। उसी वक्त सौदे साहब ने सौदे हजरत ने गालिब इन मिस्र एटम पेश किया था। उनके इस किताब के अजरा पर बस अभी मैं कल सौदे हजरत को मैं दुआ देता हूँ कि अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा। मैं सौदे को बस इतना जानता हूँ कि उसको सारी दुनिया जानती है। सौदे इब्ने ताबिश और हफीजुर रहमान सर हम दोनों के उनवान से मजमून की कामदगी कर रहे थे जनाब अतीक शाबान साहब। हाजिर बेदार को नजर तो नजारे हजार हैं। सारे इब्ने ताबिश की शख्सियत के कई पहलू हैं। एक अहम पहलू की जानिब हफीजुर रहमान सर ने तवज्जो मखसूस कर पाई। दूसरा पहलू जो सारे इब्ने ताबिश साहब का हमारे सामने आता है वो एक उस्ताद की हैसियत से आता है। कमरे जमात ने अपने मासूम तलबा की जिस तरह से उन्होंने रहनुमाई की और जिस तरह से उनकी पजीराई की, उनकी हौसला अफजाई की, वाकई काबिले जिक्र है और काबिले दाद की है। सौले हजरत को मैं उस जमाने से जानता हूं जब मैंने शऊर पाया था और उन्हें स्कूल नंबर 7 के कमरे जमात में बुलंद आवाज से नज़्म खानी करते हुए देखा करता था। सौले इब्ने ताबिश ने कमोबेश 35 साल तक दर्स तदरीस का फरीजा अंजाम दिया है। हजारों तलबा को उन्होंने संवारा है, निखारा है, बनाया है। उन्हीं हजारों तलबा में से एक तालिबे में है बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।